Hello friends, welcome to Janita classes for neet, aiims and jipmer. दोस्तों मैं आज के लेक्चर में एनिमल किंगडम पढ़ने जा रहा हूँ. तो एनिमल किंगडम में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम में ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है. तो वे क्या थे, एनिमल के स्ट्रक्चर, वे उनके कितने फॉर्म्स हैं, उनके फंडामेंटल फीचर्स जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम इटीसी. तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं एनिमल क्लास किंगडम. सबसे पहले हम एनिमल किंगडम में देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है, तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अनुसार सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा. जैसे कि अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस. हम जब एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं तो वहाँ पे दो ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं जो कि माउथ एंड एनस होता है. तो हम देखते हैं कि प्लेटी हेलमिंथस में केवल एक ही ओपनिंग होती है जो कि उनके बॉडी के बाहर खुलती है और वही माउथ एनस दोनों का काम करती है. तो इस तरह के सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, या ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान भी कहा जाता है, या ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी कहा जाता है. यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वह भी दो प्रकार का देखने को मिलेगा. पहला होगा ओपन टाइप. ओपन टाइप में जो ब्लड होगा वह हार्ट के बाहर पंप होगा और जो सभी सेल्स और टिश्यूज होंगी बॉडी की वे डायरेक्टली उसमें डूब जाएंगी. दूसरा क्लोज टाइप. क्लोज टाइप में जो ब्लड होगा वह हार्ट से निकलने के बाद एक वहाँ पे ब्लड वेसल्स का चैनल बना होगा, आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज होंगी जिनमें से फ्लो करके अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुँचेगा. तो हमारी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है वहाँ पे क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होती है. फिर हम देखेंगे साइमेट्री. स्पॉन्जेज जो होते हैं वे मोस्टली एसाइमेट्रिकल एनिमल होते हैं, मतलब हम उनकी बॉडी को किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. तो एसाइमेट्रिकल उन्हें कहा जाता है जिन ऑर्गेनिज्म को आप किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें एसाइमेट्रिकल कहा जाता है. दूसरा होता है रेडियली साइमेट्री. रेडियल साइमेट्री में आप देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म को उनके सेंट्रल एक्सिस से कहीं से भी हम डिवाइड कर देंगे या कट कर देंगे तो हमेशा क्या होंगे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, दो आइडेंटिकल हॉल्स में डिवाइड हो जाएंगे. जो रेडियल साइमेट्री होती है वह आपको सिलेंट्रेट्स, टीनियोफोर्स और इकाइनोडर्म्स में देखने को मिलती है. और तीसरा है बायलेटरल साइमेट्री. तो बायलेटरल साइमेट्री में बॉडी पे कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से ऑर्गेनिज्म को कट करने पे ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है. और बायलेटरल साइमेट्री हमें एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म्स में देखने को मिलती है. अब हम आगे बढ़ेंगे बेसिक पॉइंट में, डिप्लोब्लास्टिक एंड टिप्रोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स देखने को मिलती हैं, एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल इंडोडर्म, और वहाँ पे बीच में एक थर्ड जर्मिनल लेयर होती है मेसोग्लिया, तो उन ऑर्गेनिज्म्स को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है. और जो सिलेंट्रेट्स होते हैं वे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ही होते हैं, जबकि वे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर एक तीसरी जर्मिनल लेयर होती है वो होती है मेसोडर्म, मतलब वहाँ पे आपको आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म और इंटरनल इंडोडर्म तीन लेयर देखने को मिलती है. तो उन ऑर्गेनिज्म को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है. और प्लेटी हेलमिंथस से लेकर के कॉर्डेट्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं. अब हम देखेंगे सिलोम. तो जब बॉडी वाल और गट वाल के बीच में एक कैविटी होती है तो उसे ही, उस कैविटी को ही सिलोम कहा जाता है. सिलोम हमेशा मेसोडर्म के द्वारा लाइन की हुई होती है, मतलब जब
मेसोडर्म के बीच में ही एक कैविटी बन जाती है, मतलब आउटर साइड इनर साइड दोनों तरफ मेसोडर्म ही हो और बीच में कैविटी हो तो उसे सिलमेट एनिमल्स कहते हैं, उसे ट्रू सिलोम कहा जाता है। और जो वे एनिमल्स जिनके अंदर हमें ट्रू सिलोम देखने का मिलता है उनके एग्जांपल हैं एनलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये सभी ग्रुप्स के जो ऑर्गेनिज्म हैं वे सिलमेट्स हैं, वहाँ पे ट्रू सिलोम देखने का मिलता है, मतलब वहाँ पे जो मेसोडर्म होता है वह कैविटी को फॉर्म करता है। कैविटी के दोनों तरफ आपको जो लाइनिंग होती है वह मेसोडर्म की ही देखने को मिलती है। दूसरा है सीडो सिलमेट। तो जब कैविटी जो होती है बॉडी कैविटी वह मेसोडर्म के द्वारा पूरी तरह से लाइन नहीं होती है, वहाँ पे हमें बीच में मेसोडर्म के पाउचेस देखने को मिलते हैं तो उसे सीडोसिलोम कहा जाता है। यहाँ पे एनसीईआरटी के फिगर बी में सीडोसिलोम को देख सकते हैं और फिगर ए में सिलोम को देख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैविटी को मेजोडर्म फार्म कर रहा है। आप सबसे पहले आउटर इक्टोडर्म देख रहे हैं, फिर मेजोडर्म देख रहे हैं, फिर कैविटी देख रहे हैं, फिर मेजोडर्म ही आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद इंडोडर्म दिखाई पड़ रहा है। मैंने आपको यही बताया कि जब मेजोडर्म के दो पार्ट में डिवाइड होती है उसके बीच से कैविटी बनती है तो उसे ट्रू सिलोम कहा जाता है। जब जो कैविटी होती है वह मेजोडर्म के द्वारा पूरी तरह से लाइन नहीं होती है, वहाँ पे मेजोडर्म के पाउचेस देखने को मिलते हैं तो उसे सीडोसिलोम कहते हैं। और थर्ड पॉइंट, जो सीडोसिलोम होता है वह आपको एस्केल्मिंथस में देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट है एसिलमेट। एसिलमेट का मतलब होता है जिनके अंदर सिलोम नहीं पाया जाता। तो जब आउटर लेयर इक्टोडर्म होती है, मिडल मेजोडर्म होती है और इनर इंडोडर्म होती है और बॉडी की जो कैविटी होती है वह इंडोडर्म से ही बनी होती है तो उसे सीडोसिलमेट कहा जाता है। और जो भी प्लेटी हेलमिंथिस के में ऑर्गेनिज्म होते हैं वे एसिलमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है सेगमेंटेशन। तो हमें एनिमल किंगडम में एनिमल्स के अंदर सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। जो बॉडी होती है वह एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड हुई होती है एक सीरियल रेप्टेशन के अकॉर्डिंग। कुछ रेप्टेशन के बाद बॉडी कुछ ऑर्गन्स के साथ सेगमेंट में डिवाइड हुई होती है और इस जो सेगमेंटेशन का है जो पैटर्न है उसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है, या जो है फिनामिना है उसे मेटामेरिज्म कहा जाता है। और आपको यह अर्थवर्म में देखने को मिलती है। आप अर्थवर्म में देखते हैं कि वहाँ पे सेगमेंटेशन होती है, मतलब बॉडी के हर सेगमेंट में जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वे बार बार रिपीटेड होते हैं, हर सेगमेंट में होते हैं। और ये जो सेगमेंटेशन होता है इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं कि बॉडी में बार बार उन्हीं ऑर्गन्स को जगह देना पड़ता है और उसकी वजह से दूसरे चीज़ों को जगह कम मिल पाती है। और अब हम देखेंगे नोटोकार्ड। नोटोकार्ड मेजोडर्मली डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब मेजोडर्म से डिराइव किया हुआ एक स्ट्रक्चर, रॉड के समान दिखने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे ही नोटोकार्ड कहा जाता है। यह हमेशा बॉडी के डॉर्सल साइड पे बनता है। अब आप सोच रहे होंगे यह डॉर्सल साइड क्या होता है। तो अगर हम अपने बॉडी में देखें तो हमारा जो पीठ वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा है, वह क्या है, डॉर्सल साइड है। और जो हमारा स्टमक वाला हिस्सा है तो वह क्या है, वेंट्रल साइड है। और जो नोटोकार्ड होती है वह हमेशा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही बनती है। वे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे आपको नोटोकार्ड प्रेजेंट मिलेगा उन्हें कॉर्डेट्स कहा जाता है, और जिन ऑर्गेनिज्म्स में नोटोकार्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है उन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहा जाता है। पोरीफेरा से लेकर के इकानोडर्मेटा तक जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वे नॉन कॉर्डेट्स ऑर्गेनिज्म ही हैं, या उन्हें आप नॉन वर्टिब्रेट्स भी या इनवर्टिब्रेट्स भी कह सकते हो। तो हम अब सबसे पहला जो फाइलम है फाइलम पोरीफेरा, वहाँ से शुरुआत करेंगे। फाइलम पोरीफेरा को स्पॉन्ज भी कहा जाता है। ये जनरली मेराइन होते हैं, मतलब ज़्यादातर समुद्री ही होते हैं, समुद्र में देखने को मिलते हैं।
मोस्टली ये सेमेट्रिकल एनिमल होते हैं, यहाँ पे कोई सेमेट्री देखने को नहीं मिलती है। इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड किए जा सकते। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स भी कहा जाता है इन्हें, मतलब ये जो सबसे प्राचीनतम मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, इनके बॉडी में सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। स्पॉन्ज के पास एक वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम होता है, जहाँ से इनके बॉडी में वाटर, छोटे छोटे इनके बॉडी पे माइन्यूट पोर्स होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। वाटर ऑस्टिया से एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद वह इनके बॉडी के सेंट्रल कैविटी जिसे स्पॉन्जोसील कहा जाता है, स्पॉन्जोसील में पहुँचता है। फिर इनके बॉडी के ऊपरी हिस्से में ऑस्कुलम पाया जाता है, वे क्या होते हैं फिर ऑस्कुलम से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ फिगर आप ए में जो कि साइकन का फिगर है तो आप देख रहे हो कि इनके बॉडी में छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स हैं, वहाँ से वाटर अंदर घुसेगा, फिर उनके सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसेल में जाएगा और स्पॉन्जोसेल से होते हुए ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। ये जो पाथवे है वाटर ट्रांसपोर्ट का, यह इकानोडर्म को फूड गैदरिंग, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, इन सभी काम में मदद करता है। भोजन इकट्ठा करने में, गैस का एक्सचेंज करने में और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में। जो पोरिफेरा के बॉडी में स्पॉन्जोसील होता है, वहाँ पे कोइनेकॉइड्स या कलर सेल्स पाई जाती हैं, और ये कोइनेकॉइड्स या कलर सेल्स स्पॉन्जोसील की लाइनिंग करती हैं। डाइजेशन जो होता है स्पॉन्जोसील में वह इंट्रासेलुलर होता है, मतलब सेल के अंदर होता है। इनकी बॉडी में आपको एक स्केलेटन देखने को मिलेगा जो कि स्पाइकुल्स या स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है। सेक्सेस जो होते हैं वे सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं, मेल और फीमेल दोनों, जो बॉडी मेल और फीमेल दोनों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वह एक ही के अंदर देखने को मिलता है, मतलब एगोस्पर्म दोनों को एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकता है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस, ये जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करते हैं, सेक्सुअली गैमेट फॉर्मेशन के द्वारा करते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, आंतरिक फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट उसे कहते हैं जब आपको लार्वल स्टेज देखने को मिलता है कि डेवलपमेंट के दौरान एक स्टेज ऐसा आता है जब लार्वा का फॉर्मेशन होता है, तो डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। लार्वा इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, जो आउटर स्ट्रक्चर होता है जो जिसे हम देखते हैं तो उस स्ट्रक्चर को ही मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो जो लार्वा का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वह एडल्ट से डिफरेंट होता है, वह देखने में एडल्ट के जैसे नहीं होते हैं। यहाँ के जो पोरिफेरा के एग्जांपल हैं वे हैं साइकॉन, स्काइफा भी कहा जाता है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड ड्यू स्पॉन्ज या बॉच स्पॉन्ज, वेरी वेरी एमपी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। आप इन्हें ज़रूर अच्छे से याद करके रखिएगा क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में इनके आने की जो पॉसिबिलिटी जो होती हैं वे मैक्सिमम होती हैं। अब हम नेक्स्ट फाइलम को देखेंगे, सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। अब हम ये समझेंगे कि इन्हें सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया कहाँ क्यों जाता है। जो ये नाइडेरिया नेम है वह नाइडोब्लास्ट या नाइडोकाइट्स से डिराइव्ड हुआ। अब नाइडोब्लास्ट या नाइडोकाइट्स जो होते हैं उसके बारे में जानते हैं, तो नाइडोब्लास्ट या नाइडोकाइट्स में स्टिंगी कैप्सूल पाया जाता है या नेमाटोकाइट्स पाया जाता है, जो कि इनके बॉडी और टेंटिकल्स पे पाया जाता है। नेमाटोकाइट्स में नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ये ऑर्गेनिज्म जब इनके पास कोई आता है इंसेक्ट जिसका इन्हें शिकार करना रहता है तो अपने टेंटिकल से उन पर वार करते हैं, नेमाटोकाइट्स वहाँ पर जाकर धंस जाती है, फिर एक केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं और वह क्या करता है ऑर्गेनिज्म के उस बॉडी पार्ट को पैरालाइज कर देता है, फिर ये उसका शिकार कर लेते हैं। ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और एक्वेटिक में मेराइन होते हैं। सेसिल या फ्री स्विमिंग दोनों होते हैं, मतलब एक जगह पर स्थिर भी हो सकते हैं या स्विमिंग करते हुए मिल सकते हैं। रेडली सेमेट्रिकल एनिमल्स, इनके अंदर जो बॉडी की सेमेट्री होती है वह रेडियली होती है, मतलब बॉडी को आप सेंट्रल एक्सिस से कहीं से भी काटेंगे बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। नाइडोब्लास्ट का यूज एनकरेज शिकार करने के लिए, डिफेंस और
इंकोरेज का मतलब होता है एक जगह पे बंधे रहने, जैसे आप देखते हैं ना जो नाव होती हैं तो उसके लिए क्या करते हैं हम एक कटिया का इस्तेमाल करते हैं ना, पानी में कटिया फेंक देते हैं और कटिया क्या करता है पानी में जाने के बाद अंदर मिट्टी इसके कॉन्टैक्ट में बॉटम कॉन्टैक्ट में आता है, जिससे नाव क्या होती है हमेशा किनारे पर खड़ी रहती है। तो इसी तरह इनके अंदर जो नेमाटोकाइस्ट या स्टिंगिक कैप्सूल पाया जाता है वे उसकी मदद से क्या करते हैं उसे फेंकते हैं और कटिया की तरह लगा के एक जगह पे स्थिर रुके रहते हैं, या आप कह सकते हो लंगर डालना। तो ये इस अपने नेमाटोकाइस्ट का लंगर डालने में इस्तेमाल करते हैं, डिफेंस अपनी सुरक्षा में इस्तेमाल करते हैं और शिकार को पकड़ने में इस्तेमाल करते हैं। नाइडेरियंस में आपको टिशू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, दीज आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यहाँ पे आपको सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी देखने को मिलती है, इनके गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में एक सिंगल ओपनिंग होती है माउथ हाइपोस्टोम पे। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी ये क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। जब कोई कैविटी डाइजेशन के साथ साथ सर्कुलेशन का भी काम करती है तो उस कैविटी को गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहा जाता है। इन्हें सिलेंट्रॉन क्यों कहा जाता है, इन्हें सिलेंट्रॉन इसलिए कहा जाता है कि इनमें सिलेंट्रेटा इसलिए कहा जाता है कि इनमें सिलेंट्रॉन देखने को मिलता है, और सिलेंट्रॉन का मतलब ये होता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। कुछ नाइडेरियंस जैसे कि कोलर्स कोरल्स, उनमें जो स्केल्टन होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और आपने कोरल रीफ का नाम सुना होगा, ये कोरल्स जब डेड होते हैं तो कोरल रीफ का फॉर्मेशन करते हैं। नाइडेरियंस में दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होते हैं, पॉलीप एंड मेडुसा। पॉलीप एक सेसिल और सिलेंड्रिकल फॉर्म है, मतलब एक जगह पे रुका रहता है और सिलेंड्रिकल देखने में होता है, एग्जाम्पल इसका है हाइड्रा और एडम्सिया। जबकि मेडुसा जो है वह अम्ब्रेला शेप में होती है और फ्री स्विमिंग होती है, हमेशा तैरती रहती है, एग्जाम्पल है ऑरेलिया या जेलीफिश। वे नाइडेरियंस जिन दो नाइडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कुछ नाइडेरियंस हैं जिन जो क्या दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब आप उन्हें पॉलीप और मेडुसा दोनों फॉर्म को देखते हो और उसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है या मेटाजेनेसिस कहा जाता है, मतलब कि पॉलीप्स एसेक्सुअली मेडुसा को प्रोड्यूस करते हैं और मेडुसा सेक्सुअली पॉलिप्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसका जो एग्जांपल है वह है ओबेलिया वेरी वेरी आईएमपी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा ओबेलिया। अब जो एग्जांपल हैं सिलेंटेरेटा के वे हैं फाइसेलिया, पुर्तगीज मैनाफार, एडम्सिया, सी एनिमोन, पेनाटुला, सी पेन, गॉर्गोनिया, सी फैन एंड मियंड्रिना ब्रेन कोडर। अब हम थर्ड फायरम पे चलेंगे टीनोफोरा। टीनोफोरा को सामान्यतः सी वॉलनट या कॉम जेली भी कहा जाता है। एस्क्रोजिली मुराइन होते हैं, मतलब ये ऐसे हैं कि जो समुद्र में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे रेडियली सेमेट्री देखने को मिलती है, रेडियल सेमेट्री देखने को मिलती है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, टिशू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इनके बॉडी पे 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं सिलेटेड कॉम्प्लेक्स के, जो कि लोकोमोशन में मदद करते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों हो सकता है। इनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी देखने को मिलती है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइट को इमिट करने की प्रॉपर्टी होती है तो उसे ल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को इस समय जुगनू की याद आती होगी, कि जुगनू भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे आप देखते हैं कि उसकी बॉडी से लाइट प्रोड्यूस होता रहता है, वहाँ पे भी बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है। सेक्सेस अलग सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब कि हर्माफ्रोडाइट एनिमल होता है, रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल मीन्स के द्वारा ही होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी के बाहर टेक्सेस करता है, और जो डेवलपमेंट होता है वह इनडायरेक्ट होता है, लार्वा फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसके जो एग्जांपल हैं प्लियोब्रेसिया एंड टीनोपेना, इसको आप अच्छे से याद करिएगा, एनसीईआरटी के एग्जांपल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, एग्जाम का जो प्रेजेंट क्राइटेरिया चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है।
हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे प्लेटी हेलमिंथिस। प्लेटी हेलमिंथिस में जो बॉडी होती है वह डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, इसलिए उसे फ्लैट वर्म कहा जाता है। मतलब कि डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस दोनों जगह पे बॉडी क्या होती है, फ्लैट होती है, इस कारण ही फ्लैट वर्म कहा जाता है। ज़्यादातर इंडो पैरासाइट्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं और उनके बॉडी में ही रह करके अपना भोजन लेते हैं। बायोलिटरी सेमेट्रिकल होते हैं, मतलब हम बॉडी को अगर किसी भी बॉडी किसी एक प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ट्रिप्लो ब्लास्टिंग एंड एसिनमेट एनिमल्स ट्रिप्लो ब्लास्टिक होते हैं। अभी तक आपने पिछले जो फाइलम थे वहाँ पे देखा था डिप्लो ब्लास्टिक होते थे, मतलब वहाँ पे आउटर इक्टोडर्म, इनर इंडोडर्म और मेसोग्लिया पाया जाता था, जबकि अब यहाँ पे आउटर इक्टोडर्म, इनर इंडोडर्म और मिडल क्या होगा, मीजोडर्म देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मीजोडर्म अभी कैविटी नहीं बनाती, इसलिए ये ऑर्गेनिज्म एसिलमेट एनिमल होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल होगा, मतलब यहाँ पे अब आपको ऑर्गन देखने को मिलेंगे। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स, जो भी पैरासिटिक फॉर्म में वहाँ पे हुक्स और सकर्स पाए जाते हैं। ये हुक्स और सकर्स की मदद से ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर, मोस्टली एंडो पैरासाइट होते हैं तो उनके जब बॉडी में एंट्री करेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, चिपकेंगे हुक्स और सकर्स के माध्यम से, ब्लड को सक करेंगे और ये क्या करते हैं, इस वजह से काफ़ी बड़े बड़े घाव भी बना देते हैं एनिमल्स के बॉडी के अंदर। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली टू दियर बॉडी सरफेस, ये होस्ट से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं उनके सीधे बॉडी सरफेस में टच होकर के। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स कहा जाता है, वे ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करती हैं। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट जो होता है बहुत सारे लार्वल स्टेज से गुजरने के बाद होता है। कुछ मेंबर्स जैसे कि प्लेनेरिया, उनमें हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है, मतलब रिजनरेशन कैपेसिटी मतलब होता है कि अगर आप ऑर्गेनिज्म को दो तीन टुकड़ों में काट दोगे तो वे बाकी बचे हुए बॉडी पार्ट को फिर से डेवलप कर लेगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसका जो एग्जांपल है टेनिया, टेपवर्म, हैसियोला, लिवरपूल। नेक्स्ट फाइलम एस्केल्मिंथिस। एस्केल्मिंथिस में जो बॉडी होती है वह सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन होती है और इस वजह से इन्हें राउंड वर्म भी कहा जाता है। ये क्या होंगे, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और प्लांट और एनिमल्स में पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बायोलिटरी सेमेटिकल एनिमल होते हैं, ट्रिप्लो ब्लास्टिक होते हैं और स्यूडोसेलमेट एनिमल्स होते हैं। स्यूडोसेलमेट का मतलब होता है कि इनकी बॉडी में मेसोडर्म, जो मीजोडर्म है वह कैविटी को पूरी तरह से लाइन नहीं करती है बल्कि मीजोडर्म के पाउच पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वह कंप्लीट होती है, मतलब विथ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेनिक्स, मस्कुलर फेनिक्स भी पाया जाता है। आई एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। यहाँ पे एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए एक एक्सक्रीटरी पोर भी पाया जाता है। सेक्सेस आर सेपरेट। अब क्या है, सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट हैं, ये डायोसियस हैं। डायोसियस का मतलब होता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो लोग की आवश्यकता होती है तो उसे डायोसियस कहते हैं। जब रिप्रोडक्शन एक ही ऑर्गेनिज्म अकेले इंडिविजुअली खुद कर सकता है तो उन्हें मोनोसियस कहा जाता है। जो ह्यूमन बींग्स हैं ये क्या हैं, मतलब सभी क्वाड्रेंट्स मोस्टली डायोसियस ही होते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग होंगे तभी रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, फीमेल्स जो होती हैं वे मेल्स से ज़्यादा लंबी होती हैं, आप फिगर में देख सकते हो। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन जो होता है वह आंतरिक होता है, मतलब फीमेल के बॉडी के अंदर ही होता है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, डेवलपमेंट क्या होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। डायरेक्ट वाले केस में यंग वंस जो होंगे वह पूरी तरह से एडल्ट को रिजेंबल करेंगे जैसे ह्यूमन बींग में होता है, या इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल हैं एस्केरिस, राउंड वर्म, उचेरिया, फाइलेरिया वर्म, इनसाइक्लोस्टोमा, हुक वर्म। उचेरिया, ये जो फाइलेरिया वर्म है काफ़ी फेमस है, आपने एक फेमस बीमारी का नाम सुना होगा एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस में आदमी का जो पैर होता है जिन्हें इन्फेक्शन होता है वह हाथी के समान मोटा हो जाता है और वहाँ पे
उस बीमारी को फाइलेरिया भी कहा जाता है, या हाथी पाव, हिंदी में हाथी पाव भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एनिलिडा। एनिलिडा आर एक्वेटिक आर टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में मेराइन या फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं, या टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। दीज आर फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक। ये फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र इनका जीवन होता है, कभी कभी आप इन्हें पैरासाइट्स के रूप में भी देख सकते हैं। एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनके बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। बायलेटरल साइमेट्री देखने को मिलती है। टेप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मैं हमने चैप्टर के शुरुआत में ही सेगमेंटेशन की बात करी थी कि इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है, बॉडी सेगमेंट के रूप में डिवाइड होती है, तो मेटामेरिकली सेगमेंटेशन की शुरुआत एनिलिडा से होती है। दीज आर सिलमेट एनिमल्स। ये क्या है? सिलमेट है मतलब यहाँ पे आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेजोडर्म और इनर एंडोडर्म होता है, और मेजोडर्म के अंदर ही कैविटी बनी होती है, जो कैविटी होती है मेजोडर्म से लाइंड होती है। इनका जो बॉडी सरफेस होता है वह एकदम अलग अलग सेगमेंट्स के रूप में या मेटामेरिट्स के रूप में डिवाइडेड दिखता है। ये जो फाइलम है, फाइलम का नाम है एनिलिडा, तो एनिलस का मतलब होता है लिटिल रिंग, इसलिए ही हम इन्हें राउंड वर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इनकी बॉडी में छोटे छोटे राउंड वर्म नहीं, बल्कि हम इनके बॉडी में छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, और इनका नाम इस वजह से एनिलिडा पड़ गया। इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल पाया जाता है, जो कि लोकोमोशन में मदद करता है। एक्वेटिक एनिलिड्स जैसे कि नीरिस के पास लेटरल अपेंडिजेज होते हैं, जो जिन्हें पैरापोडिया कहा जाता है, और वे स्विमिंग में मदद करते हैं। इनके बॉडी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पे आर्टरीज और वेंस पाई जाती हैं, जो कि सर्कुलेशन में मदद करती हैं। नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया जिसे जिसका सिंगुलर नेम है नेफ्रिडियम, वह एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में मदद करता है। यहाँ पे एक्सक्रीशन के जो ऑर्गन होता है वह है नेफ्रिडिया। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लियन। यहाँ पे पहली बार नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे अभी क्या थे, यहाँ इनका जो डेवलपमेंट था, इवोल्यूशन था, काफ़ी पहले से बेटर हो चुका था, अब इनके अंदर नर्वस सिस्टम की शुरुआत हो चुकी थी। इनका जो नर्वस सिस्टम है उसमें पेयर्ड गैंग्लियन है, जो कि लेटरल नर्व से कनेक्ट होती हैं, और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी देखने को मिलता है। नीरिस एन एक्यूटिक फॉर्म इज डायोसियस। एक एक्यूटिक फॉर्म है जो कि क्या होता है, डायोसियस होता है, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ती है। अर्थवर्म एंड लीचेज आर मोनोसियस। जबकि अर्थवर्म और लीचेज क्या है, मोनोसियस हैं, मतलब ये अकेले ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल क्या है, नीरिस और फेरेटिमा, जिसे अर्थवर्म भी कहा जाता है। एंड हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया को ब्लड सकिंग लीच भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम होता है। यहाँ पे आपको इस फाइलम में इंसेक्ट शामिल होते हैं लगभग, जो इस पूरे अर्थ पे नेम्ड स्पीसीज हैं उनमें से 2/3 जो होती हैं वह आर्थ्रोपोडा में ही पाई जाती हैं। अगर हम नंबरिंग में बात करें तो लगभग 120,000 स्पीसीज आर्थ्रोपोडा की इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं। इनकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बॉडी बायलेटरल साइमेट्रिकल होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। सेगमेंटेड एंड सिलमेट एनिमल्स, सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, और सीरोम भी प्रेजेंट होता है। द बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्जोस्केलेटन। बॉडी जो होती है वह काइटिन से बनी एक्जोस्केलेटन से ढकी होती है। इनकी बॉडी में 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव ज्वाइंट अपेंडेजेस। यहाँ पे क्या होते हैं, ज्वाइंट अपेंडेज होते हैं, जैसे कि नाम ही है, नाम आर्थ्रास मतलब होता है ज्वाइंट, और पोडा मतलब अपेंडेजेस, तो इनके नाम से ही पता चलता है कि इनके अंदर ज्वाइंट अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, गिल्स होती हैं, बुक गिल्स होती हैं, बुक लंग्स होती हैं, और ट्रैकियल सिस्टम होता है।
अब आप सोचते होंगे कि बुक लंग्स क्या है, तो जब लंग्स इनकी बॉडी में लंग्स की तरह ही ढेर सारे एक काफ़ी ज़्यादा नंबर में स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें ही बुक लंग्स कहा जाता है। और जो गिल्स ही होती हैं वह बहुत ज़्यादा नंबरिंग में इनकी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, उन्हें बुक गिल्स कहा जाता है। सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वह ओपन टाइप का होता है, मतलब कि ब्लड हार्ट से निकल कर डायरेक्ट सेल टिश्यू सबको डूबते हुए चली जाती है और वहीं से वे अपना ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं, वहीं से उनका रेस्पिरेशन हो जाता है। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलती है। इनके बॉडी में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि एंटीना, आई, आई सिंपल या कंपाउंड दोनों तरह की हो सकती है। इनकी बॉडी में एक अलग ऑर्गन देखने को मिलता है जिसका नाम है स्टेटोकाइस्ट। स्टेटोकाइस्ट एक बैलेंस ऑर्गन है, इनकी बॉडी में इनकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए एक ऑर्गन पाया जाता है, बैलेंसिंग ऑर्गन, जिसे स्टेटोकाइस्ट कहते हैं। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, एक्सक्रीशन यहाँ पे मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। दे आर मोस्टली डायोसिस, ज़्यादातर क्या होते हैं, डायोसिस होते हैं, मतलब कि रिप्रोडक्शन करने के लिए दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, फर्टिलाइजेशन सामान्यतया क्या होती है, अक्सर इंटरनल ही होती है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, ओविपेरस होते हैं मतलब अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट सीधे हो सकता है, मतलब डेवलपमेंट के दौरान लार्वल स्टेज देखने को नहीं भी मिल सकता है, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब डेवलपमेंट के दौरान लार्वल स्टेज देखने को मिल सकता है। अब इसके एग्जांपल्स में सबसे पहले इकोनॉमिकली जो इम्पोर्टेंट हैं वे हैं एपिस हनीबी, बॉम्बिक्स सिल्कवर्म, लैसिफर लाइक इंसेक्ट, वेक्टर्स एनाफिलीज, पुलेक्स एंड डिडीज, ये सभी क्या हैं, मॉस्किटोज हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट में लोकस्टा, लोकस्ट मतलब ग्रास ओपर, एंड लिविंग फॉसिल जिसे ल्यूमिलस कहते हैं या किंग क्रैब भी कहा जाता है। फाइलम मोलस्का, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, इसे दूसरा सबसे बड़ा एनिमल फाइलम कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, या टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों हो सकते हैं, और अगर जो एक्वेटिक हैं तो उनमें मेरियानो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बॉडी जो होती है बायोलिट्री सेमेटिकल होती है, टिप्रोब्लास्टिक होते हैं और सिलिमेट एनिमल्स होते हैं। इनकी जो बॉडी है वह एक कैलकेरियस सेल से ढकी होती है, मतलब एक कैल्शियम से बनी हुई सेल से चारों तरफ घिरी होती है। अनसेगमेंटेड विथ है डिस्ट्रिक्टेड, अनसेगमेंटेड होती है, मतलब इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। इनके अंदर एक डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूट और विस्लर हम देखने को मिलता है। अभी हमने आर्थ्रोपोडा में देखा कि ज्वाइंट डिपेंडेंसेज होते हैं मूवमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मस्कुलर फूट होता है कि चलने के लिए एक मसल से बना हुआ फूट होता है। विस्लर, उसके ऊपर विस्लर हम होता है और हेड भी होता है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विस्लर हम, विस्लर हम के ऊपर एक सॉफ्ट कोमल और स्पॉन्जी गद्दीदार लेयर स्किन की होती है जो कि एक मेंटल बनाती है, मजबूत खोल बनाती है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल कैविटी इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। हम्प और विसरल हम्प और मेंटल के बीच में जो खाली जगह होता है उसे मेंटल कैविटी होता है। और मेंटल कैविटी में फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो गिल्स होते हैं वे पंख के आकार के होते हैं। इनके पास रिस्पायरेटरी और एक्सक्रेटरी फंक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन देखने को भी मिलता है। द इंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल, जो इनका इंटीरियर आगे का आगे वाला हेड वाला हिस्सा होता है वहाँ पे सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन और फीडिंग कॉल्ड रेडुला। इनका जो माउथ है उसमें एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है भोजन करने के लिए, उसे रेडुला कहा जाता है। दे आर यूजुअली डायोसियस एंड ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये डायोसियस होते हैं, मतलब दो पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। ओविपेरस अंडे देने वाले होते हैं विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो होता है वह इनडायरेक्ट होता है। यहाँ पे जो मोलस्का का मेन मतलब ये है कि मोलस्का में आपको उनके हेड से फुट निकलता हुआ दिखेगा, इनके सर से आपको पैर निकलता हुआ दिखेगा। एग्जाम्पल आप फिगर, आप एग्जांपल में फिगर देख रहे हैं ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस के सर पर से ही
पैर निकल रहे हैं जो कि उसके टेंटिकल्स हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहला पाइला एप्पल स्नेल, दूसरा पिंक टाडा पर्ल लॉबस्टर, तीसरा सेपिया कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क सेल एंड चेटियो प्यूरा चिटोन। अब हम पढ़ेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में हम इंडो स्केल्टन देखने को मिलता है हमें, जो कि कल सीरियस और स्कल से बने होते हैं। इनका जो नाम है इकाइनोडर्मेटा, इसका मतलब होता है स्पाइनी बॉडी, मतलब इनके बॉडी पर से स्पाइंस काटे बाहर निकले हुए होते हैं। सभी क्या होते हैं, मेराइन होते हैं, समुद्री होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं वे रेडली साइमेट्रिकल होते हैं, जबकि उनके लार्वा बाइलेटरली साइमेट्रिकल होते हैं। सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक और सेगमेंट एनिमल्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, लोअर वेंट्रल साइड पे माउथ होता है, जबकि अपर डॉर्सल साइड पे एनस होता है। यहाँ पे लोअर नीचे वाले हिस्से में वेंट्रल साइड पे मुंह पाया जाता है, जबकि ऊपरी डॉर्सल साइड पे एनस पाया जाता है। द मोस्ट डिस्ट्रिक्टिव फीचर, जो यहाँ सबसे अलग फीचर है वह क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, माउथ से पानी वाटर अंदर आता है और ऊपर से बाहर निकल जाता है। हेल्प्स इन लोकोमोशन, इनका जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है वह इन्हें मूव करने में। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, फूड को के ट्रांसपोर्टेशन और कैप्चर में, शिकार में और रेस्पिरेशन में मदद करता है, क्योंकि जो वाटर होता है, सी का वाटर होता है, इनके माउथ से नीचे साइड से एंट्री करता है, तो उस वाटर का इस्तेमाल करके ही एक दूसरे से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, फूड को भी कैच करते हैं, शिकार भी करते हैं और इनका रेस्पिरेशन भी हो जाता है, वाटर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट, यहाँ पे आपको इनकी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। सेक्सेस जो होते हैं वे अलग अलग होते हैं, मतलब ये भी डायोसिस होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल मोड में होता है। फर्टिलाइजेशन सामान्यतः क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट हमेशा इनडायरेक्ट होता है, मतलब यहाँ पे आपको लार्वा देखने को मिलेगा और इनके जो लार्वा होते हैं वे फ्री स्विमिंग होते हैं। एग्जाम्पल एस्टेरियास स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर एंड आफ्यूरा बिटल स्टार। नेक्स्ट फाइलम है हेमीकॉर्डेटा। प्लेस डाइजेस्ट सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा के अंदर ही इसे एक अलग फाइलम के रूप में रखा गया है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे छोटे बर्म लाइक मेराइन एनिमल्स होते हैं, मतलब बर्म की देखने में बर्म की तरह होते हैं और समुद्री होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी बायलेटरी साइमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, मतलब टू सिलोम पाया जाता है। बॉडी जो होती है इनकी मोस्टली सिलेंड्रिकल होती है और इंटीरियर प्रोबोसिस कॉलर और एक लॉन्ग टंग से मिलके बनी होती है, मतलब सबसे ऊपर वाले हिस्से में प्रोबोसिस देखने को मिलेगा, बीच में एक कॉलर और अंतिम में एक लंबा सा टंग देखने को मिलेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इज आप ओपन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, मतलब ब्लड हार्ट से निकलता है और पूरे सेल टिश्यूज को डूबता हुआ चला जाता है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, रेस्पिरेशन गिल्स की मदद से होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड, एक्सक्रीशन प्रोबोसिस ग्लैंड की मदद से होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बाहर ही होता है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और डेवलपमेंट जो होता है वह इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल बेलेनोग्लासेस एंड साइकोग्लासेस। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में हम हेमीकॉर्डेटा तक ही देखेंगे। अब अगला जो फाइलम है वह है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में आप वर्टिब्रेटा पढ़ोगे, ठीक है। कॉर्डेटा में आप पहले दो टाइप पढ़ोगे, एक नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा। एक नैथा मतलब होता है जिनमें जबड़ा देखने को नहीं मिलता, और ग्नैथोस्टोमेटा का मतलब होता है जिनमें जबड़ा देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हम सबसे पहले अब यहाँ पे एनिमल किंगडम में जो वर्टिब्रेटा है उसका एक्सप्लेनेशन कर ही देते हैं, ताकि हमें अगले लेक्चर में कुछ कमी देखने को पड़े। तो एक नाथा में एक ही क्लास देखने को मिलता है, साइक्लोस्टोमेटा।
जबकि नेथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लास होते हैं, पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस में दो क्लास देखने को मिलते हैं, कॉन्ड्रिकाइल्स एंड ऑस्टिकाइल्स, और टेट्रापोडा में चार क्लास देखने को मिलते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिला, एप्स एंड मैमल्स। तो हम अभी देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे टोटल अभी सात तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, क्लास सभी क्लासेस को मिला के सात क्लास अभी भी देखना बाकी है। तो इसलिए हम अपने आज के इस लेक्चर को हेमिकाउडेटा तक ही ख़त्म करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको एनसीईआरटी को समझने में काफ़ी मदद करेगा, आप इसे एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकेंगे। अगर उसके बाद भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, वीडियो में कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो पाता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके कमेंट करें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाय दोस्तों, हम फिर मिलेंगे। हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कई लिंक मिलेंगे, और इन उन लिंक को देखना मत भूलिएगा।